हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रॉय लुपेस का बर्लिन डिफेंस वेरिएशन दिखाने जा रहा हूँ। ये लुई लुपेस एपिसोड का सेकंड एपिसोड है, अगर आपको फर्स्ट रैप एपिसोड याद हो, जहाँ हमने लुई लुपेस का एक्सचेंज और क्लोज वेरिएशंस डिस्कस किए थे। उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप में से वो लोग जो लुई लुपेस से फेमिलियर नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। इन लुई रूपेस में वाइट e4 से स्टार्ट करता है, ब्लैक e5 रिस्पॉन्ड करता है, देन नाइट f6, नाइट c3 और बिशप b5। ये लुई रूपेस का मेन वेरिएशन, मेन ये लुई रूपेस की मेन ओपनिंग है। प्रीवियस वीडियो में एक्सचेंज और क्लोज वेरिएशंस देखे थे, जहाँ के ऊपर ब्लैक a6 से इस बिशप के ऊपर अटैक करता है, और फिर बिशप एक्सचेंज वेरिएशन में इस नाइट को कैप्चर करता है, और क्लोज वेरिएशन में A4 के ऊपर रिट्रीट करता है। बट इधर हम देखेंगे बर्लिन डिफेंस, जहां पर ब्लैक का रिप्लाई आता है नाइट F6। ये काफी पॉपुलर वेरिएशन है और ये एट टाइम्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। यहाँ पर काफी सारे वेरिएशंस अवेलेबल हैं। नाइट यहाँ पर वाइट जो है नाइट C3 खेल सकता है, जो उसमें ये गेम फोर नाइट स्पैनिश वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस मूव को हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वाइट के लिए बेस्ट मूव यह है कि वो कैसल करे। अब ब्लैक के लिए यहाँ पर तीन मेन मूव्स तो अवेलेबल हैं। एक नाइट एक ब्लैक अपना नाइट C5 खेल सकता है, जिस जो कि बर्लिन क्लासिकल वेरिएशन कहलाता है। यहाँ के ऊपर ब्लैक इस पॉन को भी कैप्चर कर सकता है, और ब्लैक A6 के ऊपर अटैक भी, A6 खेल के इस बिशप के ऊपर अटैक भी कर सकता है। हम तीनों ऑप्शंस को बारी बारी एनालाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स से कि यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कम्स डाउन और वो ये पॉन कैप्चर करता है E4 पे। एज अ वाइट प्लेयर बेस्ट मूव जो है वो है D4, जहाँ पे ब्लैक को अपना नाइट D6 पे लेके मूव जाना पड़ेगा और जाएगा, और यहाँ पर ये इस बिशप के ऊपर अटैक करेगा। और इस वाइट के लिए सिंपल, वाइट इस नाइट को कैप्चर करेगा एट C6, और आफ्टर ब्लैक कैप्चर्स ओनली थिंग जो कि इस वक्त अगर आप इस डायगोनल डी डायगोनल को एनालाइज करें, तो ये क्वीन जो है इस क्वीन को कैप्चर कर सकती है, और द ओनली पीस जो बीच में है वो ये नाइट है। सो यहाँ पर वाइट का मूव है, एंड वाइट विल कैप्चर पॉन एट E5, और अब आपको ये पीस हटाना पड़ेगा, और अदरवाइज ये पीस जा रहा है। सो से नाइट मूव्स टू F6, एंड देन बोम क्वीन एक्सचेंजेस के लिए किया। और लेकिन यहाँ के ऊपर जैसे ही D8 पे क्वीन कैप्चर करती है, चेक है, और किंग को कैप्चर करना पड़ेगा D8 के ऊपर दूसरी क्वीन को, और क्वीन किंग जो है यहाँ के ऊपर अपना कैसलिंग का राइट लूज कर देता है। सो व्हाइट के पास यहाँ पर पोजिशनल एडवांटेज है ओवर द ब्लैक किंग, क्योंकि ब्लैक का किंग इन द मिडल और एक्सपोज भी है। फ्रॉम ब्लैक्स पर्सपेक्टिव, यहाँ पर ब्लैक के पास बिशप का पेयर है, जो कि एक नाइट और बिशप पेयर के ऊपर काफी बड़ा एडवांटेज कंसिडर किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लैक के लिए जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज अटैकिंग द बिशप बाय A6 पॉन। इस पोजीशन के ऊपर वाइट कैप्चर करता है नाइट को एट C6, ब्लैक अपने पॉन से दोबारा C6 पर बिशप कैप्चर करता है, एंड देन रुक टू E1, अटैकिंग ऑन दिस अनडिफेंडेड नाइट। अब दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो नाइट वापस चले जाए C6 के ऊपर, या इस नाइट को डिफेंड किया जाए थ्रू द बिशप और थ्रू द पॉन। सो से फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नाइट वापस जाती है एट F6, सो वाइट विल कैप्चर दिस पॉन बाय एट E5 बाय द रुक, और ये चेक होगा। अगर नाइट वापस नहीं जाती और आप इस नाइट को बिशप के से डिफेंड करते हैं, सो वाइट विल कैप्चर द पॉन बाय एट E5, और इवन अगर ब्लैक क्वीन एक्सचेंजेस भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज व्हाइट का कैसल हो चुका है। दिस रुक विल कैप्चर द क्वीन एंड टेक कंट्रोल ऑफ दिस
d file. So again, this will be a slightly positional advantage for the white hair in this position. Friends, now have a look at the Berlin classical variation, जहाँ के ऊपर black जो है c5 bishop c5 खेलता है. ये काफी aggressive line है. यहाँ के ऊपर वाइट कैप्चर्स करता है c5 का पॉन और ब्लैक कैप्चर्स करता है c4 का पॉन. एंड देन वाइट ब्रिंग्स द क्वीन आउट टू c2. इस पोजीशन के ऊपर ब्लैक नाइट कैप्चर करता है at e5, बिकॉज ये जो नाइट है ये पिन नहीं थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉन एट d7. और इस पोजीशन के ऊपर वाइट अपनी नाइट दोबारा कैप्चर करता है c4. एंड देन ब्लैक प्लेज क्वीन d7 e7 एंड नाइट f3 डिफेंडिंग दिस क्वीन. और जैसे ही ये नाइट मूव होती है टू g6, व्हाइट कैप्चर्स करता है द क्वीन. क्वीन एक्सचेंजेस के लिए जाता है d e7, जिसको ब्लैक अगेन कैप्चर करता है विद हिज बिशप एट e7. एंड यहाँ के ऊपर बेस्ट मूव व्हाइट के लिए है टू नाइट टू d5, जहाँ के ऊपर वो नेक्स्ट मूव में थ्रेट कर रही है कि वो फोक करेगी एट c7. क्विक चेक होगा एंड रुक पे. सो व्हाइट के लिए फोर्स है टू डिफेंड दिस पॉन बाय बिशप. सो d6 एंड देन e1 चेक एंड किंग टू से d8. और फिर यहाँ के ऊपर अगेन ब्लैक हैज लॉस्ट द राइट टू कैसल. ब्लैक का किंग फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम मिडिल में ही रहेगा. फ्रेंड्स, वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या होता है अगर वाइट अपने f6 के नाइट से पॉन e5 कैप्चर करता. सो हियर हमने जैसे पहले देखा नाइट विल कैप्चर द नाइट एट e5, बट देन पॉन टू d4 विल फोर्क बिशप एंड द नाइट. और अगेन दिस विल बी अ स्लाइट दिस विल गिव अ स्लाइट एडवांटेज टू द वाइट हेयर. फ्रेंड्स, एक लाइन और है जहां पर वाइट इमीडिएट अटैक नहीं करता और वो अपना c3 पॉन एस्टेब्लिश करता है और नेक्स्ट मूव में वो c4 खेल के सेंटर एडवांटेज गेन करने की कोशिश करता है. सो इस केस में ब्लैक विल कैसल इजिली एंड देन पॉन टू d4, जहां के ऊपर e टेक्स d4 एंड देन c टेक्स d4 के बाद वाइट के पास एक थोड़ी सी सेंटर मेजोरिटी आ जाती है. और फ्रेंड्स, लास्ट वेरिएशन जो डिस्कस करते हैं, सबसे पहले देखा था नाइट टू c3, जी फोर नाइट स्पेनिश डिफेंस. ऑफकोर्स नाइट इस पॉन को डिफेंड कर रही है और यहाँ के ऊपर ब्लैक के लिए बेस्ट मूव होती है टू प्ले नाइट टू d4, अटैकिंग ऑन दिस बिशप. इस नाइट से नाइट को कैप्चर नहीं किया जा सकता बिकॉज देन दिस पॉन विल कैप्चर द नाइट और अटैक होगा c3 नाइट के ऊपर. और अब जैसे ही c3 नाइट मूव करेंगे, ब्लैक का नाइट विल कैप्चर द पॉन एट e4 और आप एक पॉन डाउन हो जाएंगे. सो द बेस्ट मूव फॉर वाइट इज बिशप a4. और यहाँ के ऊपर ब्लैक को पोजिशनल एडवांटेज होता है एज उसके नाइट सेंट्रलाइज्ड है. और अब ब्लैक कैन प्ले c6 और d5 और फिर वो अपना सेंटर एडवांटेज गेन कर सकता है इस पोजिशंस पे. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट रुई लोपेज बर्लिन वेरिएशन. कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. टेक केयर, टिल देन, बाय बाय.